चलो स्टार्ट कराए एम्पायर, अगला ओवर। ओ लेग बाइक्स 0 डॉट हुआ ये बॉल। अर्जुन अपनी अगली बॉल लेके आते हुए। अर्जुन रजनीकांत ऑफ साइड में खेला है, पीछे फील्डर भरत जी। अच्छा थ्रो, सिंगल लेने से नहीं रोक पाए। एक रन। अगली बॉल अर्जुन की भरत भाई के लिए, बहुत ही अच्छी स्ट्राइक, स्ट्रेट सीधा अर्जुन के हाथ में बॉल। अगली बॉल अर्जुन की भरत भाई के लिए, ओ कीपर के हाथ में है बॉल, डॉट बॉल। भरत जी आगे बढ़ के मारा है ऑफ साइड में, और नीचे कैच आउट। रॉयल चैलेंजर कोसीलाव का पहला विकेट, भरत भाई का कैच पकड़ा है सरवन भाई ने, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। अगले बल्लेबाज रॉयल चैलेंजर कोसीलाव के, नए बैट्समैन का नाम दिलीप जी, खुद कप्तान हैं रॉयल चैलेंजर कोसीलाव के। परवीन जी थोड़ी आवाज कम करे, नहीं तो टेंट के पीछे जावे, बहुत ही आवाज आ रही है आपकी। आप विन हो गए, अच्छी बात है। अगले बैट्समैन खुद कप्तान दिलीप जी, अर्जुन की अगली बॉल दिलीप जी के लिए, लेग साइड एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। अर्जुन का ओवर कंटिन्यू। उठा के मारा है दिलीप जी ने लेग साइड की तरफ, कोई फील्डर पीछे हरे इस कप्तान, मगर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर कोसीलाव का स्कोर हुआ है 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पावर प्ले खत्म हो चुका है, जल्दी से अपना फील्ड जमावे। नेक्स्ट बॉलर अगला ओवर लेके आते हुए, बॉल मूलदास कैप्टन हैं, हसमुख जी पाली आपके पीछे खड़े हैं, परवीन जी परेश भाई, सॉरी टोपी पहना था तो दिखा नहीं, दोनों की हाइट बॉडी एक जैसी है। परेश भाई अगली बॉल परेश भाई की, रजनीकांत के लिए शॉट, लेग में घुमाया है दोनों बीचों के, ओ अरुष भाई को मिस फीलिंग, बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, पहली बॉल में ही चौका। रजनीकांत जी काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर कोसीलाव की तरफ से। अगली बॉल परेश भाई की,
मिस हुआ डॉट बॉल। अगली बॉल परेश भाई की रजनीकांत जी के लिए, बहुत ओ अपील की सॉरी, ये कट आउट, एम्पायर इशारा आउट, रॉयल चैलेंजर का दूसरा विकेट गिरता हुआ रजनीकांत जी द्वारा। नेक्स्ट बल्लेबाज नाम रोहित या मोहित। अरे परवीन जी आपकी ज्यादा आवाज आ रही है, कृपया ध्यान दे। अगले बल्लेबाज का नाम मोहित। रोहित ओके। अगले बैट्समैन रॉयल चैलेंजर के रोहित मोहित मोहित बी। रजनीकांत का वापस स्टार्ट पड़ी, अच्छा खेल के गए हैं रजनीकांत जी, अराउंड 20 रन के अराउंड मारे हैं कुछ। अगली बॉल शॉट मोहित बी का, ओ मिसफील हुआ परेश भाई से स्ट्रेट में, सिंगल रन। अगली बॉल परेश भाई की दिलीप भाई के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद डॉट हुए दिलीप भाई। अगली बॉल परेश भाई की दिलीप भाई के लिए, ओ को कीपर ने कैच छोड़ा, ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर कोसीलाव का स्कोर हुआ है 24 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अगले बॉलर है भरत भाई सिरोई, सामना करेंगे मोहित भी। भरत भाई मोहित भी के लिए, ओ पहली ही बॉल में बोल्ड कर दिया है, काफी अच्छी बॉल भरत भाई की, मोहित भी बोल्ड। अगले बल्लेबाज रॉयल चैलेंजर कोसिलाव के बैट्समैन नाम बतावे, जो रॉयल चैलेंजर के जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं यहां पे आके बैठ जावे और बैट्समैन के नाम बतावे, बैट्समैन नाम गोविंद दिलीप, बैट्समैन नाम हर्ष भारत की। अगली बॉल हर्ष के लिए, ओ काफी स्ट्रेट में सिंगल रन भागे, एक ही रन। अगली बॉल भरत भाई की दिलीप भाई के लिए, अगली बॉल ओ ये भी बोल्ड,
काफी अच्छी गेंद फेंक रहे हैं भरत भाई, दिलीप भाई को भी बोल्ड कर दिया है, बहुत ही अच्छी गेंद, दोनों ही बोल्ड मारे। अगले बैट्समैन गोविंद जी, तो अगले बैट्समैन गोविंद जी सुमेरपुर, काफी अच्छी बॉलिंग भरत भाई की, महादेव इलेवन की तरफ से जो कि सिरोही के रहने वाले हैं। अगली बॉल भरत भाई की गोविंद जी के लिए, अगली बॉल ओ बहुत ही अच्छा प्लेस, सम्मान दिया बॉल को, डॉट बॉल। अगली बॉल भरत भाई की गोविंद जी के लिए, हेलो सही बॉल, डॉट बॉल। भरत भाई ओवर की अंतिम गेंद लेके आते हुए गोविंद जी के लिए, काफी अच्छा लेग में मगर कीपर के हाथ में बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर भरत भाई का। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर बैंक कोसिलाव का स्कोर हुआ है 25 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट गए हैं। अगले बॉलर बॉलर नाम किशन, अपना स्पेल का सेकंड ओवर लेके आते हुए हर्षित के लिए। किशन ओ बहुत ही अच्छी गेंद गई, हर्ष को पता भी नहीं चला, रफ्तार भी बहुत अच्छी है बॉल की। अगली बॉल हर्षित के लिए किशन की, ओ वापस बीट हुए, बहुत ही अच्छी गेंद जा रही है। अभी भी परवीन जी का एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा लेग में शॉट घुमाया पीछे सुनील करके है फील्डर, मिस फील्ड हुआ और ये दूसरे रन के लिए गोविंद जी भागते हुए नहीं लिया, वापस सिंगल रन के साथ ही। अगली बॉल किशन की गोविंद जी के लिए, अगली बॉल किशन की गोविंद जी के लिए, ओ लेग बाय सिंगल रन, बाय का इशारा एम्पायर के द्वारा सिंगल रन। अगली बॉल किशन की हर्षित के लिए, और ये बोल्ड मार दिया हर्षित को किशन ने, बहुत ही अच्छा बोल्ड मारा।
अगले बैट्समैन रॉयल चैलेंज की तरफ से नाम बतावे। बेस्ट मोहित, मोहित ए। अगले बैट्समैन मोहित ए, किशन की अगली बॉल। जगदीश जी को ढूंढ रहे हैं, मेपाल सा खाना खाने गए हैं। ओके, अगले बैट्समैन मोहित ए। ओ उठा के मारा है, नीचे खुश किशन भाग रहे हैं और ड्रॉप कैच, और उसी के साथ सिंगल रन। ओवर की समाप्ति, छह ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर कोसिला का स्कोर हुआ है 28 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अगले बॉलर परेश भाई लग रहे, भरत भाई। ओके, भरत भाई अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए, जल्दी करें पानी के लिए, जल्दी करें भाई साहब, धूप गिरेगा। और दो मिनट का ब्रेक पाने के लिए एम्पायर को भी प्यास लगा। ओ बोतल फेंक रहे हैं। चलो स्टार्ट करें भरत भाई का अगला ओवर। मोहिते सामना करेंगे भरत भाई का। ओ, बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अगली बॉल, ओ शॉट मारा लेग साइड में, हरीश भागते हुए सिंगल रन, एक की रन। गोविंद जी ने ऑफ साइड में खेला है, पीछे फील्डर है, सिंगल रन। अभी तो ये पूना की टीम खाना खा के आ जावे, भूख लगा होगा आपको, परवीन जी को लेके जाए खाना खाने के लिए, गरम गरम खाना बनाए। भोजन 12:30 बजे के आसपास चालू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बॉल डॉट हुई। ललित जी मैक्सवेल अपना बैग ले ले, यहां से माल पानी रहेगा तो गायब हो सकता है। बहुत ही अच्छा शॉर्ट लेग में, पीछे सुनील सिंह, ओ डबल के लिए भागे हैं, देखते हैं क्या। बहुत ही कमजोर थ्रो सुनील का, दो रन ले लिए। अगली बॉल भरत भाई की, मोहित ए के लिए। ओ लेग्स, ओ सीधा हाथों में कैच आउट, परेश भाई के हाथ में कैच, मोहित ए आउट, कैच पकड़ा है परेश भाई ने। बॉलिंग कर रहे थे भरत भाई, भरत भाई के अभी तक
तीन विकेट हो चुके हैं। अगले बैट्समैन नाम, रॉयल चैलेंजर कोसिला का अगला बैट्समैन नाम ईश्वर सामना करेंगे भरत भाई। बहुत ही अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर कोसिला का स्कोर हुआ है 33, लॉस ऑफ 6 विकेट। अगला ओवर, 10-10 ओवर के मुकाबले हैं ये। रॉयल चैलेंजर कोसिला ध्यान दे, तीन ओवर और बचे हैं आपके। अगले बॉलर कौन है, बॉलर नेम अर्जुन, जो फर्स्ट ओवर डाले थे आई थिंक, अर्जुन की। गो इंजन ऑफ साइड में खेल दिया है, पीछे फील्डर है, सिंगल के साथ संतुष्ट, एक रन। अगली बॉल अर्जुन की, ईश्वर के लिए, स्ट्रेट में खेला है, देखते हैं, एक रन, एक ही रन। अगली बॉल अर्जुन की, गोविंद जी के लिए, मिस हुआ बॉल, नहीं बॉल नहीं गिना जाएगा। ऑफ साइड में खेला गोविंद जी ने, सिंगल रन के लिए, एक रन। बहुत ही अच्छा शॉट घुमाना चाहते थे, बॉल डॉट हुई। अगली बॉल उठा के मारा पीछे कीपर और कैच मिस कर दिया है, उसी के साथ सिंगल रन, कीपर ने कैच छोड़ दिया है। अगली बॉल अर्जुन की, गोविंद जी के लिए, ओ एक रन के लिए प्लेस मारा है ऑफ साइड में, सिंगल रन। ओवर की समाप्ति, आठ ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर कोसिला का स्कोर हुआ है 38 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। परेश भाई अगले बॉलर, दो ओवर बचे हैं कोसिलाव के, आठ ओवर कंप्लीट हो गए हैं। ओवर चेंज हुआ है, ध्यान दे, बॉलर नेम दीपक, दीपक, हाँ दीपक टू गोविंद जी। ओ
कोविंद जी बीट हुए, काफी अच्छी गेंद, दीपक की बहुत ही अच्छी गेंद, अगली बॉल दीपक की गोविंद जी के लिए, उठा के मारा है गोविंद जी ने लेग साइड में नीचे कैप्टन हरेश, और ये मिस कैश, इसी के साथ दो रन पूरे किए। कैश का जजमेंट बराबर नहीं हुआ, ड्रॉप कर दिया है कैच। 2100 रुपया दीपक कुमार जी, बवरदास जी सिरोही, इन्होंने 2100 रुपए की घोषणा की थी, आज जमा करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर द्वारा, अगली बॉल लेग साइड में मारा है, पीछे फील्डर है, ओ रोक दी है बॉल को, एक ही रन से संतुष्ट। ओ मिस हुए, बहुत ही अच्छी बॉल दीपक की, अगली बॉल सामने रन आउट का एम्पायर इशारा वाइट बॉल। अगली बॉल दीपक की, अगेन वाइट, ग्यारह सौ रुपया बालूदास जी, रूपदास जी बाबा गांव, इनकी तरफ से भी 1100 रुपए आज जमा हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन वाइट बॉल, कंटिन्यू वाइट फेंकते हुए दीपक, अगली बॉल दीपक की, ओ उठा के मारना चाहते थे, मिस हुए। बहुत ही अच्छी ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पे कोसीलाल रॉयल का स्कोर हुआ है 45, लॉस ऑफ 6 विकेट। अगला ओवर परेश भाई तो गोविंद जी के लिए, लास्ट ओवर है इनिंग का, अगली बॉल परेश भाई की गोविंद जी के लिए, और एम्पायर इशारा आउट, गोविंद जी का विकेट बाइक कीपर। अगले बैट्समैन नाम, बहुत ही अच्छी गेंद परेश जी की, अगले बैट्समैन नाम अशोक जी, फोटोग्राफर अशोक जी, दोनों काम करते हैं, ये आज इनका मैच है तो ये मैच खेल रहे हैं, मैच होने के बाद फोटो खींचेंगे। अशोक जी नए बल्लेबाज रॉयल चैलेंजर कोसीलाव की तरफ से, अगली बॉल ओ बहुत ही अच्छी गेंद
परेश भाई की काफी अच्छी गेंद, इनिंग की चार बॉल बची है, ध्यान देवे कोशिला वाले। अगली बॉल परेश भाई की, अशोक जी के लिए, बोल्ड मार दिया है अशोक भाई को, बहुत ही अच्छी गेंद परेश भाई की। गोगरा गुंगरा गुंगरा गोगरा परेश भाई के भी तीन विकेट हो चुके हैं। हरेश भाई आपका हाथ सेट गया है, आवाज नहीं आ रही है, ठंडा ज्यादा पिया है। स्वागत की कड़ी में तारा सिंह जी, बैट्समैन पुत्र श्री श्री राम जी जानो हैं, ये मंच के पास पधारे, यह मंच आपका स्वागत करता है। बैट्समैन नाम बतावे। मैं अध्यक्ष बिरामी संस्था शंकरदाई से निवेदन करता हूं, पधारे और तारासन जी का स्वागत करें। कैलाश कोई बात, श्याम जी आप कर लो, आगे बिराजे हुए हैं श्याम जी, अगली बॉल कर लो स्वागत उनका, तरजी का पधारिए आगे। बोल्ड मार दिया है परेश भाई के, ये चौथा विकेट परेश भाई के नाम, लास्ट विकेट है ये रॉयल चैलेंजर कोसीलाव का, अगर ये भी आउट हुआ तो ऑल आउट हो जाएगी। अगले बैट्समैन जल्दी जावे, थोड़ा बैट्समैन लास्ट विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, इनिंग की लास्ट बॉल है और लास्ट विकेट है, देखते हैं कौन क्या करता है। लास्ट बॉल लास्ट विकेट, और लेग साइड में खेला है फील्डर है, ओ बहुत ही ऊपर थ्रो मारा मगर सिंगल रन रोक और वापस भागे और ये आउट, ऑल आउट हो चुकी है और इनिंग पूरी। रॉयल चैलेंजर कोसीलाव का 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 46। महादेव 11 को विन के लिए 47 बनाने हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले और अपने बैट्समैन भेजे, रॉयल चैलेंजर कोसीलाव अपनी फील्डिंग जमा ले जल्दी से जल्दी, पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। सौता क्वार्टर फाइनल के लिए टॉस के लिए याराना 11 के कैप्टन और सामने और पावा पावेश्वर के कैप्टन मंच की ओर आवे और टॉस। टॉस के लिए आ गए हैं कमेटी मेंबर, 2 जन जाए और टॉस कराए कैमरे के सामने। कहीं पर भी जाए दोनों कैमरे लाइव हैं।
टॉस हो रहा है, याराना 11 वर्सेस पावा पावेश्वर लाइव। ऑफ द मैच देना बाकी है हसमुख जी सिंधरू को, तो अभी दे देवे याद आ जाएगा। चलो मैच स्टार्ट हुआ, पहली बॉल लेके आ रहे हैं दिलीप भाई रॉयल चैलेंजर कोसीलाव की तरफ से, और स्ट्राइक पे है सुनील महादेव 11 से। स्टार्ट किया जाए मैच, पहली ओवर लेके आ रहे कैप्टन दिलीप भाई। ये है सुबह जो मैच हुआ था उनका याराना 11 से हसमुख जी सिंधरू वालों को मैन ऑफ द मैच सैनदास जी की तरफ से एक रन। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई, ये दोनों कुर्सियां वो साइड कर दो ना, एक ऊपर आने में तकलीफ होगी। क्या हुआ, एक रन सुनील ने एक रन दिया। अभी स्ट्राइक पे है हरेश भाई। स्वागत की अगली कड़ी में जगदीश कुमार जी पुत्र श्री नारायण दास जी चाणोद हाल जोधपुर। हरेश भाई ने ऑफ साइड में मारा है, पीछे फील्डर है, एक ही रन से संतोष। यह मंच आपका स्वागत करता है श्रीमान जगदीश कुमार जी चाणोद, आइए एक रन। स्वागत के लिए श्रीमान ने बैरूदा जी पाव वाला से निवेदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा स्ट्रेट में खेला है, ऑफसाइड पीछे फील्डर। बैर जी धूप का आप मतलब इतना इंतजार नहीं करे, धूप तो चलती रहेगी। दो रन आपका अलाउंस है, आप आए और उनका स्वागत करें। अगली बॉल दिलीप भाई, आप संभागीय अध्यक्ष हैं, सामने हैं सुनील भाई। बिल्कुल सबको मौका दे रहे हैं हम। सुनील ने शॉट मारना चाहा, बीट हुए
बॉल गोविंद जी के पास, कीपर। अगली बॉल दिलीप भाई की, सुनील के लिए। उठा के मारा है सुनील ने, पीछे फील्डर है और ये बहुत ही अच्छा कैच। कौन है फोटोग्राफर है, बॉलर नेम, कैच पकड़ा उसका नेम मोहित बी। बहुत ही अच्छा कैच सुनील का, महादेव को पहला झटका। आउट हुए भाई, अगले बैट्समैन, बैट्समैन नाम है गौरव रौनक। ओ लेग साइड में खेला, पीछे फील्डर है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे महादेव 11 का स्कोर हुआ है 4 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगला बॉलर भरत भाई, अगले बॉल लेके आते हुए भरत भाई, हरीश भाई के लिए। हरू फील्डिंग जमाते हुए ध्यान दे, ओ सम्मान दिया हरीश भाई ने भरत भाई को। लेग साइड में घुमाया है, कोई फील्डर नहीं 4 रन के लिए। हरीश भाई हरू के द्वारा पहला चौका महादेव 11 की। भरत भाई की अगली बॉल, बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, सामने फील्डर है और ये आराम से 4 रन के लिए। अभी प्लेयर के सपेट में 2 प्लेयर और आ जाते, बहुत ही अच्छा शॉट तो दोनों तीनों बाउंड्री के बाहर जाते। चलो अगली बॉल भरत भाई की, ध्यान दे फील्डर, ज्यादा एकदम स्पीड ना पकड़े, वहां पे खड्डे हैं। भरत भाई की अगली बॉल हरू के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट ऑफ में घुमाया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा कंटिन्यू 3 चौके मारे हैं कैप्टन महादेव 11 के हरू भाई ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग, महादेव 11 की टीम खुश होती हुई। गाड़ी मैदान में ना ले, ध्यान दे याराना 11। बहुत ही अच्छा शॉट लेग में, फील्डर है पीछे, ओ 1 रन से संतुष्ट भरत भाई की। अगली बॉल रौनक के लिए, ओ आगे बढ़ के मारना, बोल्ड हो गए हैं, बोल्ड कर दिए हैं रौनक को भरत भाई ने। 11 रन 11 का 2रा विकेट गिरता हुआ, ओवर की समाप्ति।
दो ओवर की समाप्ति पे महादेव इलेवन का स्कोर हुआ है 17 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। नए बैट्समैन संजू, क्या नाम लिखा है इनका, संजय, नए बैट्समैन संजय। अगले ओवर वापस रॉयल चैलेंजर कोसीलाव के कैप्टन दिलीप भाई लेके आते हुए सामना करेंगे हरु। दिलीप भाई की बॉल हरु के लिए, बहुत ही अच्छी बॉल, योर कट लाइन था, ओ थ्रो, अगली बॉल दिलीप भाई की हरु के लिए, ऑफ साइड में घुमा दिया है पीछे फील्डर भागते हुए, देखते हैं बॉल रोक पाते हैं कि नहीं, बॉल रुक गई है। ओ, दो रन लिए, अगली बॉल दिलीप भाई की हरु के लिए, उठा के मारा है और ये 6 रनों के लिए। बॉल का ध्यान देवे, बहुत ही अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, एम्पायर इशारा 6 रन। हरु के बल्ले से 3 बाउंड्री 1 6। बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है आज महादेव इलेवन की तरफ से। अगेन और ये कैच आउट, कैच लिया है हितेश, बहुत ही अच्छा कैच हितेश का, नितेश जो भी की गणे। अगले बैट्समैन, बैट्समैन का नाम, हाँ संजय, न्यू बैट्समैन संजय दिलीप भाई, अपना अगली बॉल लेके आते हुए संजय भाई के लिए। बहुत ही अच्छा ऑफ साइड में खेला, सिंगल लेना चाहते मगर रोक दिया है। वहां पे अशोक जी खड़े थे फोटोग्राफर कोसीलाव वाले, पावा पावेश्वर जो बैटिंग करेगी अगले मैच में। अगली बॉल दिलीप भाई की संजय के लिए, बहुत ही अच्छा 4 रन के लिए, संजय का पहली बॉल में ही बाउंड्री। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे महादेव इलेवन का स्कोर हुआ है 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले खत्म हो गया है, लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली बॉल गोविंद जी, ध्यान देवे धूप गिर रही है, जल्दी से जल्दी करे, सूचना की तरफ ध्यान दे। जो भी समाज बंधु भोजन के लिए जाना चाहते हैं तो
तो धर्मशाला में जल्दी से जल्दी बता रहे। बहुत ही अच्छी गेंद गोविंद जी की। भोजन तैयार है दर्शक, प्लेयर जो भी खाना के चले जावे, गरम गरम मिलेगा। अगली बॉल उठा के मारा है संजय ने 6 रनों के लिए, सीधा पॉल कमेटी में। बहुत ही अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। अब तो जीत गया महादेव इलेवन की तरफ से। ओ वाइट गेंद, वाइट बॉल, एम्पायर इशारा वाइट। लेग साइड में घुमाया है, पीछे फील्डर हैं। 1 रन। गॉड, पीछे फील्डर के पास बॉल। अरे बैट्समैन तैयार नहीं है, एम्पायर ध्यान देवे। गोविंद जी बहुत ज्यादा घाई कर रहे हैं, शायद एम्पायर ध्यान देवे। वाइड गेंद, एम्पायर सारा वाइड। अगेन लेंथ साइड, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई बाउंड्री लेग से बाहर, 4 रन। जिन भामाशाह की इस क्रिकेट प्रतियोगिता में सहयोग के रूप में जो घोषणा हुई है वो अगर यहाँ पे लेके बजा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता से मिलकर अपनी रसीद प्राप्त कर लें। और भी कोई समाज बंधु। बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मिस पिल्च। 1 रन चाहिए जीतने के लिए, सहयोग 1 रन चाहिए महादेव इलेवन को जीतने के लिए, ओनली 1 रन। सहयोग देना चाहते हैं आ जाइए बाहर, नहीं तो अगर 1 रन जाना चाहते हो तो कार्यकर्ता से मिलकर अपना सहयोग के रूप में जो भी आप राशि देना चाहते हैं वो हमारे कार्यकर्ता से मिले, धन्यवाद। याराना इलेवन ध्यान दे, अपनी फील्डिंग जमा देवे और पावा पावेश्वर अपने बैट्समैन को तैयार रखे। ओके बहुत अच्छी, लास्ट क्वार्टर फाइनल होगा याराना इलेवन वर्सेस पावा पावेश्वर। और ये उठा के मारा है 6 रन, और इसी के साथ महादेव इलेवन ने ये मैच जीत लिया है 7 विकेट से। रॉयल चैलेंजर कोसीलाव ये मैच हार गई है। मैन ऑफ द मैच रहेंगे महादेव इलेवन की तरफ से परेश भाई। जिनको भी भोजन करना है परेश भाई, फोटो वोटो खिंचा के आ जावे, यहाँ पे भी फोटो खींचेंगे आपका। वो जेकर